speed. Speed means it is a characteristic of a moving object. कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. यहाँ पर पोजीशन है, फिर यहाँ पोजीशन है, फिर यहाँ पोजीशन है. इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. जिस समय ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम कहते हैं स्पीड. तो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या बताती है, स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में जो वो डिस्टेंस कवर करता है, जो लेंथ को कवर करता है, उसमें हम एक डायमेंशन और मिक्स कर देते हैं, एंड दैट डायमेंशन इज टाइम. अब हम टाइम को भी इन्वॉल्व करते हैं. अभी तक हमने खाली लेंथ को इन्वॉल्व किया था और उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला था. टाइम को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, हमें यहाँ से 10 मीटर डिस्टेंस पे जाना है. एक आदमी 5 सेकंड में जाता है और एक आदमी 2 ही सेकंड में चला जाता है. दोनों 10 मीटर जाते हैं, लेकिन जब हम टाइम को इन्वॉल्व करके देखते हैं तो जो 5 सेकंड वाला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लो जा रहा है, और जो 2 ही सेकंड में पहुंच जाता है 10 मीटर पे वो फास्ट जा रहा है. ये स्लो और फास्ट, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड. तो ये हमारी फिजिकल एक क्वांटिटी है स्पीड, विच टेल्स अस कि आप कितने कम समय में कितना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, दैट इज स्पीड. और अब तो स्पीड हमको क्या दिखाती है, हाउ फास्ट वन डिस्टेंस इज कवर्ड, हाउ फास्ट डिस्टेंस इज ट्रेवल. ये होती है स्पीड, और इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, टाइम. अच्छा, स्पीड को हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सी चीज कितनी फास्ट है. तो हमारे पास बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, एक सेकंड में कितना दूर जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे. जो चीज पर सेकंड ज्यादा डिस्टेंस जाएगी उसको क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड हाई है. तो किसकी स्पीड हाई होगी, जो एक सेकंड में ज्यादा दूर जाएगा, और जो एक सेकंड में कम दूर जाएगा उसकी स्पीड कम. ओके, अब एक सेकंड कैसे निकालना है, एक सेकंड में कितना दूर जाएंगे, इसके लिए बड़ी छोटी सी मैथमेटिक्स है कि हम उसको एक सेकंड ना गिन के टी सेकंड में गिन लेते हैं कि कितना दूर जाएगा. यहाँ से हमने घड़ी चालू की और घड़ी हमारी 50 सेकंड 50 सेकंड तक गई, और 50 सेकंड में हमने देखा कि वो वहां पहुंच गया बी तक. ए से बी तक 100 मीटर डिस्टेंस है, 100 मीटर 50 सेकंड में उसने ट्रेवल किया, 50 सेकंड में 100 मीटर, तो एक सेकंड में कितना हुआ, 100 अपॉन 50, दिस इज 2, 100 मीटर 50 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, ये हम उसकी स्पीड बोलेंगे. ये 100 क्या है, डिस्टेंस, 50 क्या है, टाइम, ये क्या है, स्पीड. तो हमने इसका फॉर्मूला बना लिया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. बस ये हमको स्पीड मिल गई. ओके, ये स्पीड के बहुत इसके आगे एडजेक्टिव हम लोग अलग अलग लगाते हैं, किस तरह के बहुत सारे कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन करते हैं. एक ऑब्जेक्ट अपनी तरह से चलना शुरू हुआ अपनी लोकेशन से, स्पीड के क्लासिफिकेशन. एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको हमने देखा यहाँ से 2 सेकेंड टाइम बीतता है और ये 10 मीटर गया, फिर यहाँ 2 सेकेंड टाइम बीतता है और फिर ये 10 मीटर गया, फिर यहाँ से हमने 3 सेकेंड बाद मूव किया, 3 सेकेंड बाद ये 15 मीटर चला, और फिर यहाँ से कुछ और मूव किया, लेट अस से 5 सेकंड तक हम रीडिंग नहीं ले सके, फिर 5 सेकंड के बाद हमने रीडिंग ली और ये 25 मीटर चला गया. अब हर जगह पर इस रीजन के लिए हमने वेलोसिटी निकाली, तो ये वेलोसिटी कितनी आएगी, 10/5 मीटर पर सेकंड. ये कितनी आएगी, 10/5 मीटर पर सेकंड. ये 15/3 5 मीटर पर सेकंड, और ये 25/5 5 मीटर पर सेकंड. हम क्या देख रहे हैं, हर जगह पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी होती है, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना तो वेलोसिटी कम हो रही है. ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी.
So what is the uniform velocity? The velocity which is, sorry, uniform speed. अभी velocity और speed को अलग अलग करेंगे. Uniform speed. So uniform speed में क्या होता है? अगर हम time interval को equal कर दें, one second, तो ये कितना distance travel करता है? 5 meter, 5 meter, 5 meter. और 1 second में, so in uniform speed an object covers equal distance in equal interval of time. An object covers equal distance in equal interval of time. This is uniform. और यहां से एग्जांपल से हमको याद रहेगा कि हर जगह वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी आएगी. देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड. अब अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा? यहां पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी बजाय यहां पर जब 25 की बजाय ये 30 मीटर चला गया. तो अब यहां स्पीड क्या होगी? 6. यहां पर 10 की बजाय ये 8 मीटर था, तो यहां स्पीड क्या हो गई? 4. इस तरह से ये स्पीड कभी कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है. अगर स्पीड कम होती है और बढ़ती है तो उसके सामने, स्पीड के सामने एक शब्द लगा देते हैं, वेरिएबल. सो वेरिएबल स्पीड में जरा सा डेफिनेशन को देखिए. यहां पर डिस्टेंस के सामने लिखा है इक्वल, इंटरवल के सामने लिखा है इक्वल. इसकी डेफिनेशन में एक के सामने आप अनइक्वल कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम को तो हम लोग 1 सेकंड ही बनाएंगे, और जब डिस्टेंस को देखते हैं तो किसी 1 सेकंड में कम और किसी 1 सेकंड में ज्यादा चलता है वो ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या लिखेंगे? अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है तो उसकी स्पीड क्या कहलाएगी? वेरिएबल स्पीड. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. What is mean by average speed? Average speed. Average speed क्या फंडा? पहले समझिए. Average speed का फंडामेंटल ये है कि यहाँ से हम बिलासपुर जाते हैं and the distance is 100 किलोमीटर और घड़ी देख के चलते हैं 2 hours time लगता है. तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी स्पीड है. तो हमारी स्पीड यहाँ से बिलासपुर जाने की 50 किलोमीटर पर आवर है. हम इसको याद कर लेते हैं, अगली बार कार में जाते हैं तो स्पीडोमीटर के कांटा तो देखते हैं. जब उसको देखते हैं स्पीडोमीटर को, तो कभी तो वो हमको दिखता है 40 पे, कभी दिखता है 60 पे, कभी दिखता है 80 पे, 100 पे, और कहीं ब्रेक लगाते हैं तो फिर 0 हो जाता है. कभी भी वो हमको 50 पे दिखाई एक बार भी, फिर भी हम क्या कहते हैं? हमारी स्पीड क्या है? 50. तो ये 50 कैसी स्पीड है जो हमारा स्पीडोमीटर दिखाता नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि हमारी स्पीड 50 है. क्यों? क्योंकि 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमने 2 आवर्स में सेटल किया, तो स्पीड तो 50 है. ये वाली जो स्पीड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक लंबा डिस्टेंस नापते हैं, टोटल डिस्टेंस, और उसको डिवाइड किससे करते हैं? टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ये जो स्पीड होती है इसका हमने टाइटल दिया एवरेज. इसको क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम.
ओके, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला, ये जो आपने यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो यूनिफॉर्म स्पीड का बड़ा सिंपल एक ही फॉर्मूला है, रिलेशन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी को आप दो वेरिएबल और बना सकते हो, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तीनों हम लोग खूब यूज करेंगे, ये तीनों हमने बहुत यूज करने हैं। ओके, तो ये आपको एकदम रटा रहना चाहिए, टाइम किसके बराबर होता है, एस अपॉन बी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके ठीक है, इधर फिर वापस आइए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके बाद एक चीज और, अगली चीज हम स्पीडोमीटर में जो हम देखते हैं यहां से जाते हुए कि कहीं पे हमने एक्सीलरेटर दिया तो वो कांटा चला गया 80 पे, फिर हमने ब्रेक लगाया वो कांटा आ गया 40 पे, तो हमारी स्पीड 80 है कि 40 है? तो हम बोलेंगे जब हमने एक्सीलरेटर दिया था उस इंस्टेंट पर 80 थी, जब हमने ब्रेक लगाया उस इंस्टेंट में 40 थी, जब हम बिल्कुल खड़े हो गए तो उस इंस्टेंट पे 0 थी, बीच में एकदम खाली सड़क आई तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हमारी स्पीड 100 भी थी। तो ये सारी स्पीड्स जो एक जिस समय हम देखते हैं उस समय की स्पीड हमको बताती है, उस इंस्टेंट की स्पीड बताती है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सामने क्या शब्द लगा देते हैं, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो इंस्टेंटेनियस शब्द कब लगता है, जब हमारी नजर कांटे पे पड़ेगी, यानी एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए, सेकंड से भी छोटा टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए हमारी स्पीड वो होती है। जैसे हमने घर के सामने मोटरसाइकिल चालू की और फुल एक्सीलरेटर दबाया, यहां से वहां पहुंचते पहुंचते हमारी स्पीड हो गई 60, 2 सेकंड टाइम लगा, 60 स्पीड हो गई। अब अगर हम बोलेंगे उस 2 सेकंड में एक से यहां 0 सेकंड था और यहां 2 सेकंड था, यहां हमारा कांटा दिखा रहा था 0 किलोमीटर पर आवर, यहां कांटा दिखा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बोलेंगे कि जब आपने शुरू किया था तो 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड क्या थी, तो उस समय कांटा बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा, मान लो उस समय ये था 40, तो इस 40 को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हेन द टाइम वाज 1 सेकंड। But when the time was 1.5 second, the instantaneous speed was 48. When the time was 0.5 second, the instant speed was 22. हो सकता है। तो instantaneous क्या होता है? एक particular moment पर जब हम speed को देखते हैं, उस समय जो speed दिखेगी वो क्या कहलाएगी? Instantaneous. ठीक है, तो ये होती है, सामने एडजेक्टिव लगाएंगे इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या होता है? एक इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक जब आप पहुंचेंगे तो वो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, उसमें आप वेलोसिटी को प्लस माइनस नहीं कर सकते, टोटल डिस्टेंस निकाल के टाइम से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस क्या स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। ओके, इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं। स्पीड की जगह वेलोसिटी शब्द को लगाते जाइए, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज
displacement per unit time. Displacement per unit time is velocity. तो speed और velocity में क्या difference हुआ? वही difference है जो distance और displacement से. तो displacement is a vector quantity. So velocity is a vector quantity. Velocity has direction. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी. तो वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन जरूर बतानी होती है. ओके, वेलोसिटी मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. Magnitude of velocity is speed. क्यों? जैसे displacement को हम लोग किसमें नापते हैं? Distance में नापते हैं, साथ में उसको direction दे देते हैं. वैसे ही velocity को किसमें नापा जाएगा? Speed में, साथ में क्या देंगे? Direction. जैसे 40 किलोमीटर पर अवर की स्पीड से जाइए तो ये स्पीड है. 40 किलोमीटर पर अवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जाइए, अब ये क्या बन गई? वेलोसिटी. और उससे आप चापा पहुंच जाएंगे. 40 किलोमीटर पर अवर की स्पीड से वेस्ट में जाइए, कटोरा पहुंच जाएंगे. तो जब हम डायरेक्शन साथ में लगा देते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी क्या बन जाती है? वेलोसिटी. और बिना डायरेक्शन के बोलेंगे तो क्या हो जाएगी? वो स्पीड. ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में होता है, ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, अगर डायरेक्शन बताएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अदरवाइज इट इज अ डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसने यहां से यहां तक 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 10 मीटर. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है. अगर डिस्टेंस ऐसा होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते, पर स्ट्रेट लाइन में दोनों एक है. तो जब हम रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी करते हैं, एक लाइन में चलने वाला मोशन, तो हम ये मान के चलते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही क्वांटिटी है. तो इसीलिए बोलने में भी हम लोगों से कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है. डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं या मोस्टली डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि क्वांटिटी एक ही होती है. किसमें? रेक्टिलिनियर मोशन. ऐसा हो सकता है. वही चीज स्पीड और वेलोसिटी, ये बोलने में होता है, बट इफ वन इज वेरी केयरफुल तो उसको याद रखना चाहिए कि मुझे स्पीड बोलना है या वेलोसिटी बोलना है, डिस्टेंस बोलना है या डिस्प्लेसमेंट बोलना है. ये थोड़े से अंतर हमको रखने चाहिए. एनीवे, ये थोड़ा सा होता रहता है. अब ये है वेलोसिटी. वेलोसिटी हैज डायरेक्शन. वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड. अगर एक ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जा रहा है और हम बोलते हैं इसकी वेलोसिटी प्लस 10 है, तो जब ये लेफ्ट जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या बोलेंगे? माइनस 10. ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक साइन दे दिया कि राइट की तरफ प्लस. कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी अगर प्लस 10 है तो नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी माइनस 10 मानी जाएगी. इस तरह से प्लस और माइनस, ये हम वेलोसिटी को साइन अलॉट करते हैं. ओके, तो ये वेलोसिटी होती है. अब हम आते हैं फिर से वापस एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी. अगर एवरेज स्पीड की जगह हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूले में क्या वेरिएशन हो जाएगा? स्पीड की जगह वेलोसिटी होगा तो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट. बस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम.
ये हमारा फॉर्मूला बना। अब हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसमें, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ये बड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इजी भी होते हैं, एक आध न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ भी होगा, सो वी विल प्रैक्टिस दिस। तो इसको शुरू करिए, राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी, ये सब का हो गया, ये हमने आधा आधा डिस्टेंस माना, क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कौन सा शब्द दिया है, हाफ डिस्टेंस, इसलिए हमने एस और एस माना। इसको s by 2 मानना अवॉइड करिए, क्योंकि वैसा करने से फ्रैक्शन आएगा, कैंसिलेशन के फिर से प्रॉब्लम होंगे, इसलिए s और s मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना लेना है, 2s, ओके। उसके बाद दोनों की वेलोसिटी हमने लिख ली और दोनों का टाइम कैलकुलेट किया, ताकि दोनों s की टर्म्स में ही आ जाए, अदरवाइज t1 और t2 हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, s को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिख लिया टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम लेस, और इसको सॉल्व किया, कितना आया बोलिए, 48 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है, एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसी सम को चेंज करते हैं, नाउ वी राइट इट, ए कार ट्रेवल फॉर हाफ द टाइम विद 40 किलोमीटर एंड हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। अब हमने किसको हाफ कर दिया, टाइम को, तो एक कार ए से बी तक जाती है, ए टू बी, थोड़ी देर तक टी टाइम तक उसकी स्पीड, क्या चीज दोनों तरफ बराबर है, टी, कितने हिस्से करेंगे, दो, क्योंकि वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है, दो बार, तो ये दो हिस्से कर दिए, एक का टाइम टी और दूसरे का टाइम टी। पिछली बार क्या किया था, एक का डिस्टेंस एस और दूसरे का डिस्टेंस एस, क्योंकि क्या दिया हुआ था, हाफ द डिस्टेंस, अब क्या दिया है, हाफ द टाइम। तो चूंकि दोनों तरफ टाइम बराबर है, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, टी और टी, एस और एस से नहीं करिएगा, क्योंकि ये नहीं दिया है कि डिस्टेंस बराबर है, ओके। एक में स्पीड कितनी है, 40, और एक में स्पीड है 60। तीसरी चीज कैलकुलेट करिए, तीसरी चीज क्या होती है, s, बताइए s का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो इसका कितना हो गया, 40t, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 60t। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम इज इक्वल टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टी एन टी टू टी, और इसको सॉल्व करिए, टी कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट डू वी गेट, एवरेज 50 किलोमीटर पर। ठीक है, ओके। तो ये अगर सबका बन गया, तो उसके बाद एक चीज और समझिए, अभी हमको 40, 60 इस तरह के नंबर दिए गए थे, अगर इस नंबर की बजाय हम वेलोसिटी को v1 और v2 मान लें, तो हम इसके फॉर्मूलाज भी बना सकते, किस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं और उसका एक प्रिंसिपल याद कर सकते हैं। देखिए, पहली बार 48 आया था, अभी 50 आया, दोनों में डिफरेंस आ गया, क्यों? तो ये इसमें हमने किस किस को हाफ किया है, टाइम। अब मैं आपके क्वेश्चन को बदलता हूं, हाफ द टाइम विथ वेलोसिटी v1 एंड हाफ द टाइम विथ वेलोसिटी v2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, v1 और यहां पर v2, और अब देखिए एवरेज स्पीड s1 किसके बराबर है, v1 इंटू टी, और ये हो जाएगा v2 इंटू टी, s1 प्लस s2, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, v1 टी प्लस v2 टी डिवाइडेड बाय 2, एंड आवर आंसर विल बी, t is cancelled,
what we get is half v1 plus v2. ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड. एवरेज तो अगर स्पीड v1 v2 है तो दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करना, 2 से. अब इससे सिमेट्रिकल हम लगा सकते हैं, अगर उसकी स्पीड इक्वल टाइम v1 v2 v3 होती है तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, v1 plus v2 plus v3 डिवाइडेड बाय 3. अगर वो चीज n बार अपनी वेलोसिटी बदलता है लेकिन टाइम बराबर रहता है, क्या चीज बराबर रखना है उसको, टाइम, तभी तो ये टाइम कॉमन निकलेगा और कैंसिल होगा. सो एवरेज वेलोसिटी का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn. और इसको किससे डिवाइड कर देना है, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई. इसमें कंडीशन क्या है, द टाइम पीरियड फॉर ईच वेलोसिटी इज सेम. इफ टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड फॉर ईच वेलोसिटी इज सेम. Each velocity and speed एक ही मतलब है, rectilinear motion है. If time period for each velocity is same, average velocity इससे निकलती. ठीक है? अब हम लेते हैं, अगर distance बराबर होगा तो कैसे निकालेंगे. Equal distances with different speed. पहला s travel किया v1 से, दूसरा s travel किया v2 से, तीसरा s travel किया v3 से, चौथा v4 से. तो average स्पीड कैसे निकाली जाएगी, तो हम सब में क्या करते हैं, हर एक का टाइम निकालते हैं. t1, t1 क्या होगा, s अपॉन v1, t2 इज इक्वल टू s अपॉन v2, t3 इज इक्वल टू s अपॉन v3. लाइक अब एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड तक चले गए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम में इन सब को आपस में प्लस कर देना, तो इन सब को प्लस किया, सब में से s कॉमन निकाला, s कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3. कब तक जाएगा ये, 1 अपॉन v. ये आ गया एवरेज स्पीड, v एवरेज. ओके, s s कैंसिल. अब इससे अगला स्टेप देखिए, दोनों को यहां क्या बचा, n अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन और इधर क्या है va, दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए, दोनों को उल्टा कर देंगे तो ये क्या है, v average upon 1. इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v. सो 1 अपॉन v एवरेज इज इक्वल टू, यहां पे n इंटू 1 है, ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो n नीचे आ जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन n और ये कहां चला जाएगा, ऊपर. सो दिस विल बी 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस अप टू 1 अपॉन vn. ये हमारा फॉर्मूला आया व्हेन ये कंडीशन.
distances are equal, velocity is different. ये हमारा फॉर्मूला इसके लिए बना. टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर एक डायरेक्शन. सो ही गोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन 1, 2, 3 किलोमीटर. With a speed of 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर में 3 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? सबको आंसर मालूम है. 6 किलोमीटर की स्पीड है और डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगेगा? हाफ आवर को मिनट में कन्वर्ट करिए, 30 मिनट. तो यहां से वो निकला, उस समय टाइम था 0 मिनट. यहां पहुंचा, टाइम कितना हो गया? 30 मिनट. Then he returned back with a speed of 9 किलोमीटर. Okay, ये 9 किलोमीटर की स्पीड से वापस आ रहा है, तो इसको 3 किलोमीटर आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर. स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगा? 3 upon 9, 1 upon 3 hours. 1 upon 3 hour is how many minutes? 20 minutes. तो अभी तक कितना टाइम बीत गया? 30. 30 के बाद फिर कितना टाइम बीतेगा? 20. वो वापस यहाँ आ जाएगा. तो जब ये यहाँ वापस पहुंचेगा तो टाइम कितना हो चुका होगा? 15 मिनट. ये सीन बना सबका. अब फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट. तो 0 यहां था, 30 यहां था, वी नो. 0 to 50 मिनट. 50 मिनट पे वो कहां था? यहां था, दैट ऑल्सो वी नो. 0 to 10 मिनट. 0 to 40 मिनट. 40 मिनट पे वो आदमी कहां था? 30 यहां, और इसके बाद 10 मिनट और चला. तो मुझे बताइए 10 मिनट में कितनी दूर चला होगा? 60 मिनट में कितना चलता है? 60 मिनट में वो आदमी कितना चलता है? 9 किलोमीटर. क्योंकि उसकी स्पीड क्या है? 9 किलोमीटर इन 1 आवर. 60 मिनट में 9 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा? 9 upon 6 किलोमीटर. दिस इज 3 upon 2 किलोमीटर. 3 upon 2 किलोमीटर, that is 1.5 किलोमीटर. तो ये आदमी कहाँ पर होगा? 1.5 किलोमीटर. जब ये ऐसा जाकर वापस आता है यहाँ पर, तो अब टाइम कितना बीत चुका है? 40 मिनट्स. अब हमारे सारे इंडिकेटर्स तैयार हो गए. यहाँ से चला, यहाँ 3 किलोमीटर गया, टाइम कितना? 30. फिर वहां से 1.5 किलोमीटर आ गया, तो टाइम कितना हो गया? 40. फिर यहां पर पहुंचा तो टाइम कितना हो गया? 50. नाउ ऑल थिंग्स आर रेडी. अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. कैलकुलेशन क्या क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वन बाय वन लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम. ओके, आंसर नंबर वन, 0 to 30 मिनट. 0 to 30 मिनट का डिस्प्लेसमेंट बताइए, 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बताइए, 13 मिनट. 30 मिनट को हम लिख सकते हैं, अगर पर आवर में देना है तो इसको क्या लिखेंगे? हाफ आवर. तो आंसर कितना आया? 6 किलोमीटर पर आवर. ये क्या आ गई इसकी एवरेज वेलोसिटी फॉर 30 मिनट्स. अब दूसरा लेते हैं,
फॉर 0 to 50 मिनट, ये तब था 0 to 30। अब हम लेते हैं 0 to 50। ओके, 0 में आदमी कहां था, ये सब ध्यान से देखिए, 0 में यहां था, 50 में कहां था, यही था, यही वापस आ गया। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, 0। तो यहां जब हम वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, 0 डिवाइडेड बाय टाइम, एनी टाइम, दिस गिव्स 0। तो 0 टू 50 के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। अब लेते हैं 0 टू 40, 0 टू 40 डिस्प्लेसमेंट बताइए, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, 1.5। हाउ मच टाइम हैज पास्ड, टाइम कितना लेंगे, 40 मिनट्स। ये 30 और ये 10, 40 हमारे क्वेश्चन में भी है, 0 टू 40। तो टाइम हमको कितना लेना है, 0 टू 40, दैट इज 40/60 आवर। सो दिस इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6/4, 2 3 6 2 2 4, दिस इज 0 to 40। ये समझ आया, यही वाला थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, लेकिन टाइम टोटल टाइम चाहिए, यहां जब था वहां से इधर से घूम के आया तो टाइम कितना लगा, 40 मिनट। तो जितना टाइम उसने एक्चुअल खर्च किया टाइम पूरा लेना पड़ेगा, इसलिए टाइम यहाँ पे 40 से हमने डिवाइड किया। सो दिस कम्स द आंसर 2.25 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी की तीनों कैलकुलेशन हो गई, अब स्पीड की आप करिए।
ये स्पीड के लिए आंसर, वो वेलोसिटी के लिए आंसर। स्पीड में जितना यहाँ चल के गया वो हमको इधर से जोड़ना है और इधर से ऐड करते चले टाइम भी और डिस्टेंस भी। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हमने खाली ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिया था, लेकिन स्पीड में टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर दिया। और यहाँ पर कितना लिया था 1.5, क्यों? इन दोनों के बीच का डिफरेंस वेलोसिटी के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट से बना और ये डिस्टेंस से। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सम है और इसको आपको एक दो बार बना के अच्छे से समझना चाहिए। हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार प्रैक्टिस करिए, फिर आ जाएगा। हमने एक टुकड़ा कर लिया ए से बी तक का, दिस इज 1/3 ऑफ द टोटल। अब 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी 4, तो यहां का बी हमको पता है 4, ठीक है। टाइम कितना होगा बताइए, एस अपॉन बी कितना हुआ, एस अपॉन 4। ये तीनों चीजें इसकी आ गई, एस बी और टी। अब ये वाला जो है इसके दो हिस्से किए, वो जो दो हिस्से किए उसके बारे में आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है बोलिए। हाँ, हाफ क्या चीज, डिस्टेंस के टाइम, टाइम। इसका मतलब इसके दो हिस्से ऐसे होंगे जिसमें इसका टाइम है टी, तो इसका टाइम भी कितना है टी। डिस्टेंस बराबर बराबर हो ये श्योरिटी नहीं, ओके। स्पीड कितनी कितनी है, 2 and 6, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है 2, यहां b की वैल्यू 6। तो बताइए अगर इसकी b की वैल्यू 2 है, इसका टाइम t है, तो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार इसका s1 कितना होना चाहिए, वेलोसिटी इंटू टाइम 2 into t 2t। इसका s2 कितना होना चाहिए, 6 into t। लेकिन S1 और S2 ये दोनों मिलाकर किसके बराबर होने चाहिए, 2S के बराबर। तो हमको इक्वेशन क्या मिला, 2t + 6t = 2S। बताइए t किसके बराबर हुआ, S upon 4 हुआ, ओके। तो ये t की वैल्यू हमको पता लग गई, S upon 4। इस t की वैल्यू भी कितनी है, S upon 4। इस t की वैल्यू कितनी है, S upon 4। टोटल डिस्टेंस कितना है, S और 2S, टोटल डिस्टेंस कितना है 3S। और अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एवरेज, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लिया 3s, टोटल टाइम यहां का यहां का यहां का, तीनों का टाइम ऐड करो, s अपॉन 4 प्लस s अपॉन 4 प्लस s अपॉन 4, ओके। अब इसको टोटल करके बताइए कितना आएगा, यस 3s अपॉन 4, 3s 3s कैंसिल, द आंसर इज 4। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ओके। वो इसको लिखने में गलती हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिए, 4 m/s। तो सबके यूनिट एक जैसे रहे, मेथड पे कंसंट्रेट करिए। 3 बार वेलोसिटी चेंज हुई है इसलिए हमने इसके 3 पार्ट किए। हर पार्ट पे क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एस वी टी एस वी टी एस वी टी। बाद में फिर क्या करना है, तीनों के एस को ऐड कर देना है और तीनों के टी को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है, एवरेज स्पीड आ जाएगी।
ठीक है, इसको भी एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, ये भी अपने तरह का स्पेशल सम है। और बस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसी तरह के ही सम।